डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट नॉन एक्वा सोल्वेंट्स तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन एक्वा सोल्वेंट्स के बारे में जनरली ड्यूरिंग परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शंस वी यूजली ले स्ट्रेस ऑन रिएक्टिंग सबस्टेंसेज ऑनली जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हम केवल रिएक्टेंट की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं हमारा ध्यान सॉल्वेंट की ओर कम रहता है ओके एंड वे इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट्स हम सॉल्वेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको भूल जाते हैं उसको बिल्कुल याद नहीं रखते जबकि बाई बाई चेंजिंग द सॉल्वेंट द रिएक्टेंट्स में गिव ऑल टूगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जबकि अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करें तो वही सॉल्वेंट, उन्हीं रिएक्टेंट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट दे सकता है या वो रिएक्शन नहीं भी दे सकता है तो इसलिए हमें जो जो सोल्वेंट्स जो हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि वो सोलवेंट की भी कुछ इंपॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शन में तो नॉन एक्वा सोल्वेंट की Uh, कुछ हम लेक्चर सीरीज चलाएंगे उस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्वेंट्स सॉल्वेंट्स क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अब ये रिएक्शन देखिए इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि NH4Cl और LiNO3 की जब हम रिएक्शन कर रहे हैं मीडियम ले रहे हैं पानी को सॉल्वेंट की तरह ले रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी जबकि वही रिएक्टेंट अगर लिक्विड अमोनिया में लें तो देखिए रिएक्शन होगी तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंस है सॉल्वेंट का कि रिएक्टेंट वही है लेकिन हमने सॉल्वेंट सिस्टम बदल दिया यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी जबकि यहां पर रिएक्शन होगी तो इसलिए हमें सॉल्वेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझना है ये रिएक्शन देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए AgNO3 BaCl2 के साथ रिएक्ट करके एक्वस मीडियम में क्या बना रहा है बी एनओ थ्री एंड एजीसीएल क्या हम एजीसीएल और बी एनओ थ्री की रिएक्शन करके बी ए सी एल टू और एजीएन थ्री बना सकते हैं एक्वस मीडियम में नहीं ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होती है जबकि अगर हमें यह रिएक्शन मान लीजिए हमें एजी एनओ थ्री बनाना है एजीसीएल से तो हम क्या करें एजीसीएल और बी एनओ थ्री की रिएक्शन किस मीडियम में कर दे लिक्विड अमोनिया में तो ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं आप देख रहे हैं सॉल्वेंट चेंज किया तो जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन ये दोनों रिएक्ट नहीं कर सकते एक्वस मीडियम में लेकिन ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया में तो ये इंपॉर्टेंस है सॉल्वेंट की कि जैसे ही हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो रिएक्टिविटी विल आल्सो चेंज्ड ये हम सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्लासिफिकेशन का उसके बाद वन बाय वन मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि हाउ दी सॉल्वेंट्स आर डिफरेंट सो हाउ वी कैन क्लासिफाई दी सॉल्वेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सोलवेंट्स बेस्ड ऑन प्रोटोन डोनर एंड एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज प्रोटोन को देने की क्षमता और प्रोटोन को लेने की क्षमता के आधार पर हम सोलवेंट्स को तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं okay? ओके ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोन देने की क्षमता एंड प्रोटोन लेने की क्षमता के आधार पर हम इन सॉल्वेंट्स को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन इज प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो प्रोटिक सॉल्वेंट हम किने कहेंगे प्रोटिक सोलवेंट वो सॉल्वेंट होंगे जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उनके फॉर्मूला में तो जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उन सॉल्वेंट्स को हम क्या कहेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट्स फॉर एग्जाम्पल ये भी दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं एक होते हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं एक होंगे जो प्रोटॉन ले सकते हैं सो so, प्रोटॉन डोनर दे आर एसिड वो सॉल्वेंट्स क्या होंगे उनका नेचर एसिडिक होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होंगे उनका नेचर कैसा होगा बेसिक होगा तो ये एसिडिक के एग्जाम्पल देखिए एच टू एस एच एफ सी एस टी सीओ एच और जो प्रोटोन एक्सेप्टर है वो अमोनिया है और सी फाइव एच फाइव है और देखिए अमीन से हैं तो ये किसके एग्जाम्पल है जिनमें एच होगा एच होना चाहिए तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स है प्रोटिक सॉल्वेंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है एक प्रोटॉन डोनर एक प्रोटॉन एक्सेप्टर और जो प्रोटॉन डोनर होंगे उनको एसिड कहेंगे जो प्रोटॉन जो एक्सेप्टर होंगे उनको क्या कहेंगे बेस कहेंगे दूसरे तरीके के जो सॉल्वेंट सिस्टम है जिनमें प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर टेंडेंसी के आधार पर जिनको डिवाइड किया गया है वो है ए प्रोटिक सोल्वेंट्स और नॉन प्रोटोनिक सोलवेंट्स वो सोलवेंट जिनमें हाइड्रोजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती उनके फॉर्मूला में हाइड्रोजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती और नहीं वो प्रोटोन डोनोट करते हैं नहीं वो प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं ए प्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सोल्वेंट जैसे आप देखिए बेंजीन है क्लोरोफॉर्म है दिस कार्बन टाइट्राक्लोराइड है इसमें हाइड्रोजन नहीं है एसओ टू में भी हाइड्रोजन नहीं है बी आर एफ थ्री में भी हाइड्रोजन नहीं है ये सॉल्वेंट है लेकिन इनमें हाइड्रोजन नहीं है जबकि इन सॉल्वेंट में हाइड्रोजन है तो इन सॉल्वेंट्स में हाइड्रोजन हो भी सकती है और हाइड्रोजन नहीं भी हो सकती है. और न ही ये प्रोटोन देते हैं न ही ये प्रोटोन लेते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं ए प्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर टेंडेंसी तीसरे तरीके के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं एम्फी प्रोटिक और एम्फोटेरिक सोलवेंट्स ये कैसे होते हैं एम्फी प्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स इन इन सॉल्वेंट्स के फॉर्मूला में एच होगा हाइड्रोजन इनमें होगा लेकिन ये इनकी टेंडेंसी क्या होगी इनकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की भी हो सकती है और डोनेट करने की भी हो सकती है प्रोटोन को ये डिपेंड करेगा कि दूसरी रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी है तो ये किसी पर्टिकुलर रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ एसिड हो सकता है किसी दूसरी स्पीसीज के साथ ये बेस भी हो सकता है तो इस बेसिस पर हम इनको एसिड बेस नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कभी बेस की तरह एक्ट करते हैं कभी एसिड की तरह एक्ट करते हैं ये डिपेंड करेगा कि दूसरी स्पीसीज क्या है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज पर हमने इसको तीन भागों में डिवाइड किया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज ये तीन तरीके के सॉल्वेंट्स हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ए प्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, एमपी प्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। तो इनमें डिफरेंस आपने देख लिया किस तरीके से इनमें डिफरेंस है इनमें हाइड्रोजन होगी और जो डोनर होंगे वो एसिडिक होंगे और जो एक्सेप्टर होंगे वो बेसिक होंगे इनमें हाइड्रोजन हो सकती है या नहीं भी हो सकती देखे ना इधर एक्सेप्ट प्रोटोन ना इधर डोनेट प्रोटॉन्स और जो तीसरे तरीके के हैं इनमें हाइड्रोजन होगी फॉर्मूला में और ये डिपेंड करेगा दूसरी स्पीसीज के ऊपर कि इनको कैसे एक्ट करना है ये एसिड की तरह एक्ट करेंगे या बेस की तरह एक्ट करेंगे दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन प्रॉपर्टी तो ये जो ये जो क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंट्स का ये किस बेसिस पर है उनकी आयनाइजेशन उनकी आयनीकरण क्षमता के ऊपर तो ये जो आयनाइजेशन दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सॉल्वेंट्स को एक होंगे आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स और एक होंगे नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स तो जो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स होंगे देखिए कौन से आयनाइजिंग आए, सॉल्वेंट्स होंगे जिनका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा उनको कहेंगे आयनाइजिंग सोलवेंट्स और ये पोलर सोल्वेंट्स भी कहलाए जा सकते हैं जैसे एच है एन है एच है एसओ है इनका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है और ये आयनाइज हो जाते हैं और ये आयनाइज करेंगे दूसरे जो सॉल्यूट्स हैं उनको आयनाइज करते हैं इसलिए इनको आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स कहते हैं दूसरा जो कैटेगरी है इसका वो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं जिनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है और ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये बेंजीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो ऑर्गेनिक सोल्वेंट्स हैं जनरली दे आर नॉन पोलर सोलवेंट क्योंकि वो किसी दूसरी स्पीसीज को आयनाइज नहीं कर सकते इसलिए वो नॉन आयनाइजिंग सोलवेंट्स कहलाते हैं ये थर्ड क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड है ऑन दी नॉन एक्वस एंड एन एक्वस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स तो इस बेसिस पर सोल्वेंट्स uh, को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है एक होते हैं एक्वस सॉल्वेंट्स और एक होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक्वस सॉल्वेंट मतलब पानी इसका भी सेल्फ आयनाइजेशन हो सकता है और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है पानी को छोड़कर जितने दूसरे सॉल्वेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जैसे एच एफ है एसओ सब नहीं कहलाते हैं कुछ हैं जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कहलाते हैं जिनमें जिनमें सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी भी होती है उनको हम नॉन एक्वा सोलवेंट्स में डालते हैं जैसे एच एफ है एसओ टू है पीओसीएल थ्री है एनएच थ्री सो दीज आर नॉन एक्वा सोलवेंट एक्चुअली हमको इन नॉन एक्वा सोलवेंट्स की ही कुछ रिएक्शन पढ़नी है जिसमें कि हमारे कोर्स में है लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के सोलवेंट्स uh, Uh, की कैटेगरीज है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसमें से जो हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो है नॉन एक सोलवेंट्स की अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकी जो जो सोल्वेंट्स हैं उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कब अच्छे सोल्वेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्वेंट्स कौन कौन सी ऐसी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें से हम चार करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा सोल्वेंट किस तरीके के रिएजेंट के साथ अच्छी तरह से रिएक्ट कर पाएगा और उसको हम सॉल्वेंट सिस्टम की तरह ले सकते हैं और कौन से सॉल्वेंट को नहीं ले सकते ये डिपेंड करेगा उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेल्टिंग प्वाइंट और बॉइलिंग प्वाइंट के ऊपर क्योंकि जो मेल्टिंग प्वाइंट और बॉइलिंग प्वाइंट होते हैं किसी भी सोलवेंट के वो क्या बताते हैं वो बताते हैं दे इंडिकेट्स द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर देयर लिक्विड स्टेट वो ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर रेंज होगा जिस पर वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट वो लिक्विड स्टेट में रहेगा क्योंकि जब तक सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में नहीं होगा तो वो रिएक्शन कैसे करेगा अगर वो केमिकल रिएक्शंस जनरली जो लिक्विड स्टेट में होनी है उसके लिए सॉल्वेंट शुड बी इन लिक्विड स्टेट तो ये बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये रेंज डिसाइड करेंगे कि कौन सी रेंज ऐसी है जहां पर वो लिक्विड की तरह एक्ट करेंगे मेल्टिंग तो प्वाइंट और बॉइलिंग प्वाइंट को जानने के लिए हम उनका चार्ट देखेंगे देखिए ये डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम है वॉटर अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्रो तो उसके लिए हमने कुछ डाटा लिखे हैं वाटर का जो मेल्टिंग प्वाइंट है वो जीरो है और बॉइलिंग प्वाइंट है हंड्रेड तो आप देख सकते हैं कि ये जीरो से लेके हंड्रेड तक ये किस पर एग्जिस्ट करेगा लिक्विड पर क्योंकि इसके ऊपर ये क्या होगा वोलेटाइल इसके ऊपर ये गैस फेज में चला जाएगा और इसके नीचे ये क्या होगा सॉलिड फेज में होगा तो ये ऐसी रेंज है जिस रेंज में ये लिक्विड फेज में होगा अमोनिया को अगर हम देखें तो अमोनिया की जो रेंज है एमपी देखिए बहुत माइनस में इसका है और जो इसका बीपी है वो भी माइनस में है तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो रेंज है टेम्परेचर रेंज जहां पर ये लिक्विड स्टेट में रहेगा वो टेम्परेचर रेंज माइनस में है बहुत कम टेम्परेचर पर यह लिक्विड में रहेगा यानी माइनस सेवेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर माइनस थर्टी थ्री पॉइंट फाइव तक ये लिक्विड स्टेट में रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड को भी देखिए इसकी भी जो रेंज है वो माइनस में है हाइड्रोजन फ्लोराइड की रेंज आप देख सकते हैं इसकी रेंज जो, जो है वो माइनस से स्टार्ट है मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नाइनटीन प्वाइंट फाइव तक है इसका मतलब इसकी जो रेंज है लिक्विड में रहने की वो नाइनटीन डिग्री सेंटीग्रेड से कम है जो कि रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है डाई अगर हम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर रेंज आ गई वो ट्वेंटी और एक और सॉल्वेंट सिस्टम हमारे पास है वो है एसिटिक एसिड और अगर हम एसिटिक एसिड को देखें तो यहां पर जो टेम्परेचर रेंज है वो देखिए वो है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स से वन हंड्रेड एटीन पॉइंट वन तक तो आप देखिए ऐसे सॉल्वेंट देखिए ये एक तो एसिटिक एसिड को देखिए जहां पर टेम्परेचर रेंज है 16.6 से, से 118.1 तक नॉर्मल टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है इसके बीच में 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर कहा जाता है वो इसके बीच में है ऐसे ही यहां पर देखिए जीरो से हंड्रेड के बीच में जो टेम्परेचर है वो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी इस पर एग्जिस्ट कर रहा है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड भी यहां पर है तो जो वाटर है और जो एसिटिक एसिड है ये दोनों ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर अच्छे सॉल्वेंट हो सकते हैं क्योंकि इस रेंज में ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर टेम्परेचर पर वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अब ये क्या है गैसेस देखिए गैसेस है अभी जो गैस है जनरली आप देखेंगे ये गैस की लिक्विड स्टेट कहाँ है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नहीं है दे आर लिक्विड एट लोअर टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर पर लिक्विड है इसलिए जब हम इनके साथ रिएक्शन कराएंगे ये सोल्वेंट की तरह अगर हम यूज करें तो टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा लो तो इनके मेल्टिंग प्वाइंट और बॉइलिंग प्वाइंट से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सोल्वेंट किस टेम्परेचर रेंज पर काम करेंगे एज अ सोल्वेंट इसमें आपने देखा जो एसिडिक एसिड acid है और वाटर है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं इसलिए ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉल्वेंट सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे जबकि जो गैसेस हैं ये गैसेस का जो रेंज है वो माइनस में है या ऑर्डिनरी टेम्परेचर से कम है रूम टेम्परेचर से तो ये लिक्विड फॉर्म में एक्जिस्ट करेंगे एट देन दे कैन बी यूज एज सोल्वेंट एट लो टेम्परेचर कहां पर करेगा लो टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे इन सॉल्वेंट्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट्स की क्योंकि जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब वेन वन मोल ऑफ सॉलिड विल कन्वर्ट इन टू लिक्विड ये क्या है वो एनर्जी है जो एक मोल सॉलिड का एब्जॉर्ब करता है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए ऐसे ही जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो वो एनर्जी है जिसको लिक्विड एब्जॉर्ब करता है किसमें बदलने के लिए वेपर में सो दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब बाय द लिक्विड मोलिक वन मोल ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट ओके Likewise, this heat of fusion is the energy that is absorbed by the uh, solid uh, one mole of solid to convert into one mole of liquid. So, this is the heat of fusion and this is heat of vaporization. ये हमारे पास डाटा है। कुछ सॉल्वेंट सिस्टम हमने लिए हैं। वाटर लिया है, अमोनिया लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस हीएफ यहां पर हम देख सकते हैं कि इनकी हीट ऑफ फ्यूजन हमें दी है और इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें दी है अब हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन से हमें क्या पता चलता है देखिए ये जो हीट ऑफ फ्यूजन है हीट ऑफ फ्यूजन जितनी अधिक होगी उसका मतलब है कि वो उतना ही मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है अट्रैक्शन है क्योंकि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब है जिसकी हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी उनके मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए दूसरी स्टेट में बदलने के लिए उनको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अब यहां देखिए ये जो अमोनिया और वाटर है इनकी जो एनर्जी है वो लगभग बराबर है हीट ऑफ फ्यूजन तो इनकी जो जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो लगभग बराबर है ओके अब अगर हम एसो को देखें तो एसो की एनर्जी बहुत ऊपर है जो हीट ऑफ फ्यूजन है इसका मतलब है इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हीट ऑफ फ्यूजन से हमें पता चल रहा है और एच को अगर हम देखें तो ये सबसे कम इसकी हीट ऑफ फ्यूजन है इसका मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे कम अट्रैक्शन होगा और ये आसानी से लिक्विड स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है वो हमें कौन डाटा बताता है हीट ऑफ फ्यूजन तो हीट ऑफ फ्यूजन हमें बता रही है कि अगर हीट ऑफ फ्यूजन कम है इसका मतलब है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसके सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में और अगर ये हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है इसका मतलब यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स में होता है सॉल्वेंट के उसको दिखाने के लिए एक रेशियो निकाला ट्रॉटन ने जिसको ट्रॉटन कांस्टेंट कहते हैं और उसमें क्या किया कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन को बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड कर दिया ये जो ट्रॉटन कांस्टेंट है ये जनरली नॉर्मली एटी एट के इनवर्स मोल इनवर्स के बराबर आसपास होता है सोल्वेंट का और अगर ये वैल्यू अगर ये कॉन्स्टेंट अगर ये क्या हो हायर वैल्यू हो अगर किसी सॉल्वेंट की वैल्यू ये जो टॉटन जो वैल्यू है इस वैल्यू से अगर ज्यादा होगी तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होगा क्यों क्योंकि उसका जो है वो एच वी बहुत ज्यादा है उसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है बहुत ज्यादा है हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होने का मतलब है कि उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उतनी सारी हीट दे रहे हैं क्यों दे रहे होंगे क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसलिए इसका मतलब है कि वहां पर क्या है एसोसिएशन अच्छा है और एसोसिएशन का मतलब है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड विच अंडर गो एसोसिएशन आर पोलर वो क्या होंगे पोलर होंगे जहां पर ज्यादा एसोसिएशन होगा वो क्या होंगे पोलर होंगे इसलिए जो सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अमोनिया है वाटर है एच है एल्कोहल्स हैं। दे आर एसोसिएटेड लिक्विड्स वो कैसे होते हैं एसोसिएटेड लिक्विड्स होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं पोलर टाइप के होते हैं मोलिक्यूल्स ओके okay? तो ये हमें सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को बता रहा है कि ये जो हुए इनमें एसोसिएशन ज्यादा है और जो और दूसरे तरीके के जिनमें जो जो टॉटन टॉटन जो कांस्टेंट है वो 88 से कम होगा उनमें एसोसिएशन कम होगा इसका मतलब वो कुछ नॉन पोलर टाइप्स एसोसिएशन उनमें होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्वेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमने इससे पहले भी देखा कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट के बेसिस पर हमने आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट में सॉल्वेंट को डिवाइड किया था बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू सेपरेट द आयंस ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज़ एंड एक्चुअल में जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ये क्या है किसी सोलवेंट की वो क्षमता है जिसकी वजह से सोल्यूट के आय सेपरेट हो जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सोल्वेंट में तो ये डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैसे कोरिलेटेड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आप इसको देखिए

इफ दीज आर टू चार्जेस अगर ये दो चार्ज हैं एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, है तो अगर ये दो चार्ज सेपरेटेड हैं, एक के ऊपर चार्ज क्यू वन है एक के ऊपर क्यू टू माइनस है और इसकी जो आर है जो रेडियस है आर वन है इसकी रेडियस आर टू है तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी आर वन प्लस आर टू सो द फोर्स ऑफ अट्रेक्शन इज इक्वल टू वन अपॉन डी डी इज द कॉन्स्टेंट क्यू वन प्लस टू माइनस अपॉन आर वन प्लस आर तो आप देख सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तो इन आयंस के चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है इन आयंस के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम का उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सोल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जितना कम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आप देख सकते हैं जितना ज्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट आयंस इसलिए आसानी से वो आयनाइज हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कम है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस सोलवेंट का डायइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा वो सॉल्यूट के आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगा और उसको क्या करेगा आयनाइज कर देगा तो वी कैन वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल फर्स्ट यू कैन सी द चार्ट दिस टेबल ऑन द डाईलैक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ दी सॉल्वेंट्स पहले हम ये देखते हैं कि टेबल में कि इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमें दिए हुए हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.5 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है अमोनिया का 22 होता है माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर एसओ का 17.4 पॉइंट एट माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एच का 83.6 थ्री पॉइंट सिक्स एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एन का 2.42 पॉइंट फोर टू एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो अभी आपने पढ़ा कि डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देखिए यहां पर एट्टी थ्री यहाँ पर सेवेंटी एट पॉइंट फाइव लगभग सेवेंटी नाइन तो इन दोनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक है एच का एंड एच का तो क्योंकि इनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो ये आसानी से आयनिक स्पीसीज को अपने में घोल लेंगे अपने में सोल्यूबल बनाएंगे क्योंकि यह क्या कर सकते हैं उनको जो आयनिक जो जो पोलर जो जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनको ये आसानी से आयनाइज कर सकते हैं क्योंकि इनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है इनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है इसलिए इन ये जो जो, जो सॉल्यूट है उसके आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे कम कर देंगे इसलिए दिस इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्चुअली बिकॉज इट्स डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज अराउंड सेवेंटी नाइन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड वाइल इट्स डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज जीरो इज एटी थ्री पॉइंट सिक्स एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड सो एट रूम टेम्परेचर दिस वाटर मॉलिक्यूल इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट जबकि आप देखिये एनएस थ्री है एसओ टू हो एन टू ओ फोर है इनका जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो बहुत कम है तो ये आसानी से जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनको उतना अच्छी तरीके से आयोनाइज नहीं करेगा जितना एच टू ओ करेगा ओके okay, अभी एच टू को देखें कि किस तरीके से किसी आयनिक स्पीसीज को आयनाइज़ करता है मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो आयनाइज करेगा उतना ज्यादा वो घोलेगा किसी भी आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर ये देखिए आप किस तरीके से जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो किस तरीके से एक आयनिक कंपाउंड को क्या करेगा आयनाइज uh, करेगा उसके आयंस को आयनाइज करेगा ये वाटर है क्योंकि वाटर जो है वो उसका डायलैक्टिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है इसलिए वो आयनिक स्पीसीज के जो जो प्लस और माइनस आयंस हैं उनको क्या करता है आयनाइज कर देता है तो जब हम एनएसीएल को पानी में घोलते हैं तो एनएसीएल घुल जाता है पानी में तो एनए जो एच टू और एच एफ है आपने देखा ये बेस्ट सॉल्वेंट्स हैं फॉर आयनिक कंपाउंड्स क्यों हैं? क्योंकि इनका डायलैक्टिक कांस्टेंट बहुत हाई था जबकि अमोनिया है सल्फर डाइऑक्साइड है एच एफ है सॉरी एन टू ओ फोर है दे आर नॉट बेस्ट सोलवेंट्स फॉर आइनिक कंपाउंड आइनिक कम्पाउंड के लिए अच्छे सोलवेंट नहीं है वो किसी और uh, जो नॉन पोलर कंपाउंड है उनके लिए वो अच्छे सोल्वेंट हो सकते हैं लेकिन आइनिक कंपाउंड के लिए बेस्ट जो सॉल्वेंट है एच एफ एंड एच टू है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो अब यहां पर देखिए कि जब पानी एन के साथ रिएक्ट करेगा तो एन प्लस और सीएल माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कम कर देगा क्यों क्योंकि इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी तो अगर डी ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा कैसे करेगा अपना देखिए ये मॉलिक्यूल जो है वो एन प्लस के चारों ओर ये H2O टू मॉलिक्यूल आ जाएगा ऐसे Cl- के चारों ओर भी ये एच टू मोलिक्यूल आ जाएगा दस इनको दूर कर दिया देखिए इनके बीच में ये बैरियर आ गया कौन आ गया एच टू वॉटर मोलिक्यूल बैरियर की तरह आ गया तो इसको इससे अलग कर दिया तो इसका मतलब इसको घोल दिया यहां सीएल के साथ जब ये जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल तो एक डाईपोलर की तरह इसका पॉजिटिव पार्ट क्लोराइड की ओर होगा और जब ये इससे जुड़ेगा किससे जुड़ेगा जब ये एनए प्लस से जुड़ेगा तो इसका प्लस पार्ट तो होगा क्लोराइड की ओर और जो माइनस पार्ट है वो होगा एन ए प्लस की ओर तो इस तरीके से क्योंकि ये डाइपोलर है इसका बहुत हाई डाईलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है इसलिए ये इन दोनों के बीच में आ जाएंगे और इनको अलग अलग कर देंगे ताकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए बहुत कम हो जाए और ये इसमें सोलबलाइज हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट किस तरीके के कंपाउंड के लिए बेस्ट होगा और किस तरीके के कंपाउंड के लिए वो अच्छा नहीं होगा ये हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द दिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विस्कोसिटी तो जो लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसकी सॉल्वेंट्स की वो है विस्कोसिटी जिसे हम शान्यता भी कहते हैं शान्यता मीनस ये बताती है रजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड एक एक लिक्विड के फ्लो में कितना रजिस्टेंस है या ये बता सकती है अबाउट फ्लूडिटी कितनी तेजी से जो है वो कोई फ्लूड बहता है कितनी तेजी से वो बहता है तो ये क्या बताती है अबाउट दिस सॉल्वेंट फ्लूडिटी और रजिस्टेंस टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ अ लिक्विड ये दोनों चीजें यह बताती है जैसे वाटर है इथाइल अल्कोहल है क्लोरोफॉर्म है इनकी विस्कोसिटी क्या होती है बहुत कम होती है विस्कोसिटी कम है तो आपने पानी देखा है पानी को अगर आप जो है ऊपर से डालेंगे तो जल्दी से नीचे आ जाएगा जल्दी से बहुत कम टाइम में ऐसे इथाइल इथाईल्कोहल है बहुत कम टाइम में जो है वो जल्दी से बह जाएगा क्लोरोफॉर्म है बहुत कम टाइम में वो बह जाएगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है बहुत कम होती है मतलब उनकी फ्लूडिटी क्या है बहुत हाई है तो इस फ्लुइडिटी की हाई होने से क्या होगा क्योंकि वो बहुत पतला है क्या है पतला इसलिए वो बहुत फ्लूडिटी उसकी है जितना पतला होगा उसमें जो रिएक्शन हैं कुछ जैसे क्रिस्टलाइजेशन की रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है और फिल्ट्रेशन है वो आसानी से हो सकती है तो इस तरीके के सॉल्वेंट्स रिएक्शन के लिए बहुत अच्छे होंगे केमिकल रिएक्शंस जहां पर हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन जहां पर हम करना चाह रहे हैं प्रेसिपिटेशन जहां पर हम करना चाह रहे हैं फिल्ट्रेशन वहां के लिए ये लो विस्किसिटी सॉल्वेंट्स आर वेरी गुड काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी हाई विस्कस सॉल्वेंट्स देन वी कैन सी दिस एनहाइट एच टू एसओ फोर जो एनहाइट एच टू एसओ फोर है दैट इज वेरी विस्कस सोल्वेंट इट इज नॉट अ गुड सोलवेंट ये एक अच्छा सोल्वेंट नहीं है जबकि इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत अच्छी है दस डिग्री सेंटीग्रेड से तीन सौ डिग्री सेंटीग्रेड तक इस ये ये क्या लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है जो एच टू एसओ फोर है तो एक ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट हो सकता था लेकिन क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट नहीं है तो तो एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर में पढ़ा अबाउट सॉल्वेंट्स ये शुरुआत है नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स की और उसके लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं सॉल्वेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है रिएक्शंस में रिएक्शंस में इंपॉर्टेंस है आपने देखी रिएक्शंस कि हम अगर सॉल्वेंट बदलते हैं तो रिएक्शन बिल्कुल बदल जाती है ठीक है तो दूसरा हमने क्या देखा सॉल्वेंट्स की कैसे क्लासिफाई हम उसको कर सकते हैं तो वो तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर एंड एक्सेप्टेड टेंडेंसी ऑफ प्रोटोन ऑन बेसिस ऑफ देयर आयनाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एक्वस प्रॉपर्टीज अब ये जो सॉल्वेंट सिस्टम है कौन सा बेस्ट होगा किस तरीके के रिएक्टेंट्स के लिए उसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी जाननी जरूरी है तो उसकी प्रॉपर्टी हमने देखी हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ी एक हमने पढ़ा हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी देयर विस्कोसिटी और चौथी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी उनकी डायलैक्ट्रिक uh, कॉन्स्टेंट तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसी की वजह से जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ड्यू टू इट्स डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ड्यू टू इट्स लिक्विड रेंज तो इसकी वजह से वो तो उसकी वजह से वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो इस इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सॉल्वेंट्स कवर किए हैं सॉल्वेंट्स की किस तरीके सॉल्वेंट क्या होते हैं सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हाउ वी कैन क्लासिफाई द सॉल्वेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे अबाउट लिक्विड अमोनिया रिएक्शंस ऑफ लिक्विड अमोनिया उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिक्विड अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड की इन कंसेक्यूटिव लेक्चर्स सो थैंक यू वेरी मच